हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं बात करना चाहूंगा कि जब हम अकूस्टिक गिटार लेने जाते हैं या ऑनलाइन ले रहे होते हैं तो हमारी कई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे कि हमें ओवरऑल अच्छा बेस रिस्पांस चाहिए, अच्छा वॉल्यूम चाहिए, लेकिन इसके अलावा कंफर्ट भी एक प्रायोरिटी हो जाती है कि जब आप गिटार को होल्ड करें तो आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो प्ले करने में। तो ये सारे फैक्टर्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कई गिटार्स में आपको अच्छा बेस रिस्पांस, अच्छा वॉल्यूम मिल जाएगा लेकिन कंफर्ट नहीं मिलेगा, और कई गिटार्स में आपको जो है उतना अच्छा वॉल्यूम, उतना अच्छा बेस रिस्पांस नहीं मिलता लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं होल्ड करने में। तो आज मैं एक ऐसा गिटार फीचर करूंगा जिसमें आपको अच्छा वॉल्यूम, अच्छा बेस रिस्पांस भी सुनने को मिलता है, इसके अलावा जो गिटार है वो काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है होल्ड करने में। तो यहाँ आज मेरे पास है केपमा का ESE, जो कि ग्रैंड ऑडिटोरियम शेप अकूस्टिक गिटार है। तो बात करेंगे क्या खास रहता है ग्रैंड ऑडिटोरियम शेप अकूस्टिक गिटार में, इसके अलावा इस गिटार के स्पेक्स के बारे में भी बात करेंगे, इस गिटार का साउंड चेक भी करेंगे और ओवरऑल देखेंगे क्या ये ग्रैंड ऑडिटोरियम शेप अकूस्टिक गिटार वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट में आपको बहुत सारे अकूस्टिक गिटार देखने को मिल जाएंगे, आपको अलग अलग लेंथ मिल जाती है अकूस्टिक गिटार की, इसके अलावा आपको अलग अलग शेप्स भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ मेरे पास कुछ शेप्स हैं अकूस्टिक गिटार की जो कि मैं आपको समझाना चाहूँगा और जो कि आपको मोस्टली बिगनर रेंज में देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले सबसे कॉमन और सबसे डिमांडिंग शेप की बात करें तो वो होती है ड्रेडनॉट शेप। तो यहाँ पे मेरे पास है ये 41 इंचेस का ड्रेडनॉट कटअवे केपमा EDC। तो ये काफ़ी कॉमन शेप हो जाती है और काफ़ी ही डिमांडिंग होती है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि इस गिटार में आपको ओवरऑल अच्छा बेस रिस्पांस मिलता है, इसके अलावा अच्छा वॉल्यूम और रेजोनेंस भी मिलता है, लेकिन जो डाउनसाइड होती है इस गिटार की वो ये है कि ये इतना कंफर्टेबल नहीं होता। तो कई लोगों को ये गिटार कंफर्टेबल लगता है होल्ड करने में, कई लोगों को नहीं लगता। तो इनिशियली जो है बिगनर्स को थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है डेडनॉट साइज गिटार होल्ड करने में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रॉडली एक कैटेगरी होती है मीडियम साइज गिटार, और मीडियम साइज गिटार में आपको अलग अलग तरीके के गिटार देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 38 इंचेस, 39 इंचेस और 40 इंचेस। तो बेसिकली ये अलग अलग साइजेस में आपको थोड़ा बहुत जो है वॉल्यूम और ओवरऑल रेजोनेंस का डिफरेंस सुनने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है यामा का FS80C है, जो कि मैंने थोड़े दिन पहले रिव्यू करा था। तो ये एक तरीके से तो 40 इंचेस का गिटार है, लेकिन अगर शेप की बात करें यहाँ पे तो ये एक कॉन्सर्ट कटअवे शेप है। तो जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि इस गिटार में आपको जो है ओवरऑल एक बैलेंस टोन मिलती है, यहाँ पे आपको उतना अच्छा बेस रिस्पांस और वॉल्यूम नहीं मिलेगा जो कि ड्रेडनॉट में मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है काफ़ी कंफर्टेबल गिटार मिल जाता है प्ले करने के लिए। तो ये इसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स मिल जाते हैं देखने को। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो एक गिटार है वो है कॉर्ड का L500C, जो कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई कौन सा गिटार है, काफ़ी लोगों को ये गिटार पसंद आता है। तो ये भी एक तरीके से जो है एक 40 इंचेस गिटार है, और इसको आप बेसिकली कैटेगरी में डाल सकते हैं, वो है अकूस्टिक फोक गिटार। तो ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट हो जाता है ये कॉन्सर्ट कटअवे से। और इसी तरह आपको और भी कई शेप्स देखने को मिल जाएगी जो कि मैं ट्राई करूंगा कि फ्यूचर में मैं इस चैनल पे फीचर करूं। तो इस तरह 40 इंचेस में भी आपको अलग अलग शेप्स देखने को मिल जाएंगी। और ये जो टॉपिक है थोड़ा सा ब्रॉड है, तो मैं कोशिश करूंगा कि और भी शेप्स जो है अकूस्टिक गिटार की मैं वो फीचर कर सकूं इस चैनल पे। तो अब बात करें ग्रैंड ऑडिटोरियम की, तो अब तक मुझे ये सबसे वर्सेटाइल शेप लगी, और ये बेसिकली जो है डिज़ाइन करी थी बॉब टेलर ने 1994 में। तो ये एक काफ़ी प्रोमिनेंट डिज़ाइन है टेलर गिटार्स का। तो ये एक काफ़ी वर्सेटाइल डिज़ाइन हो जाता है। तो अगर आपको स्ट्रम करना है, फिंगर पिकिंग करनी है, इवन पर्कसिव प्लेइंग भी करनी है, तो ये एक बहुत ही अच्छी शेप हो जाती है गिटार की। अब यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ केपमा ई सीरीज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो केपमा ESE है और EDC है, इनकी जो टोटल लेंथ है वो 41 इंचेस है। तो मेरे को इनिशियली ऑनेस्टली आपको बताऊं, देखने में ये लगता था कि एक 40 इंचेस का गिटार होगा, लेकिन मैंने जब इसकी टोटल लेंथ मेजर करी तो वो 41 इंचेस थी, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि 41 इंचेस जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ड्रेडनॉट साइज अकूस्टिक गिटार ही आता है। तो इस गिटार की टोटल लेंथ और EDC की टोटल लेंथ सेम है। इसके अलावा जो डेप्थ है इस गिटार की, चाहे आप लोअर बाउट पे मेजर करिए, चाहे आप हायर बाउट पे मेजर करिए, वो भी काफ़ी आइडेंटिकल है व्हेन कंपेयर टू केपमा EDC। तो ये चीज़ जो है मेरे को काफ़ी सही लगी। इसके अलावा ESE की जो लोअर बाउट है वो भी EDC के लोअर बाउट जितनी ही है, तो दोनों की जो लोअर बाउट की विड्थ है वो सेम है। तो ये भी जो है काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ लगी मेरे को।
अब जो मेन डिफरेंस आ जाता है ESC और EDC में, या मैं कहूँ ग्रैंड ऑडिटोरियम और ड्रेडनॉट शेप में, वो है कि एक तो जो गिटार की वेस्ट होती है वो थोड़ी नैरो होती है ग्रैंड ऑडिटोरियम में, इसके अलावा जो अपर बाउट है वो भी थोड़ी सी नैरो हो जाती है व्हेन कंपेयर टू अ ड्रेडनॉट साइज। तो यहाँ पे आपको टोनल डिफरेंस डेफिनेटली इन दोनों शेप्स में सुनने को मिल जाएगा। तो ग्रैंड ऑडिटोरियम में आपको उतना प्रोनाउंस्ड बेस रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा सुनने को जितना आपको ड्रेडनॉट में मिलता है, लेकिन ओवरऑल आपको ग्रैंड ऑडिटोरियम में काफ़ी ऑप्टिमम बेस रिस्पॉन्स, वॉल्यूम और रेजोनेंस सुनने को मिल जाएगी। तो बेसिकली जो ग्रैंड ऑडिटोरियम है वो ड्रेडनॉट और कॉन्सर्ट साइज के बीच का साइज हो जाता है। यहाँ पे आपको जो एक ऑप्टिमम वॉल्यूम और बेस रिस्पॉन्स है वो आपको लगभग मिल जाता है ड्रेडनॉट जैसा, और यहाँ पे जो कंफर्ट है वो आपको मिल जाता है कॉन्सर्ट साइज गिटार जैसा। तो ओवरऑल ये एक काफ़ी वर्सेटाइल शेप हो जाती है। अब इस गिटार की पैकेजिंग और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये गिटार जो है बहुत अच्छे से पैक होकर आता है। जो केप्मा का बॉक्स है वो काफ़ी स्टर्डी है, और जो गिटार है वो एक पैडेड कवर के अंदर आता है। और अगर आप एक इलेक्ट्रोअकूस्टिक वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको एक केबल फ्री मिलती है, इसके अलावा एक बेसिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी आपको मिलती है, और यहाँ पे आपको एक एलन की भी फ्री मिलती है इस गिटार के साथ। तो ओवरऑल जो पैकेजिंग है इस गिटार की काफ़ी सिक्योर रहती है और एज सच कोई भी दिक्कत नहीं आती। फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स गिटार में कोई भी दिक्कत नहीं थी। इधर अगर मैं एक्शन की बात करूं तो गिटार का एक्शन अराउंड 3 mm था, जो कि काफी ऑप्टिमम रहता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस गिटार में आपको मिल जाता है एक लैमिनेटेड स्प्रूस टॉप, लैमिनेटेड महोगनी बैक एंड साइड्स, महोगनी नेक, रोजवुड फ्रेटबोर्ड, रोजवुड ब्रिज, और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाती है प्रीमियम क्वालिटी की डायकास्ट ट्यूनिंग कीज। इसके अलावा केप्मा ई सीरीज के इलेक्ट्रोअकूस्टिक वेरिएंट में आपको एक पिकअप विद इनबिल्ट ट्यूनर मिल जाता है। पिकअप में आपको 3-band इक्वलाइजर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको एक प्रेजेंस का नॉब और एक फेस का बटन भी देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो केप्मा ESC का जो प्लेन वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 12,500 का, और जो इलेक्ट्रोअकूस्टिक वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 15,500 का। और जब आप ये गिटार ProCraftIndia.com की वेबसाइट से लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है बाई यूजिंग द कोड TGC10। इस गिटार की अगर स्टॉक स्ट्रिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिंग्स मिलती है 1253 गेज में, और इसके अलावा यहाँ पे ये स्ट्रिंग्स हैं एंटी रस्ट कोटेड, तो ये काफ़ी लंबे टाइम चलेंगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। और इसके अलावा सपोज अगर आपको स्ट्रिंग्स पसंद आती हैं और आप फिर से लगाना चाहते हैं सेम स्ट्रिंग्स, तो अब जो है केप्मा ई सीरीज की जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपको मिल जाएंगी ProCraft की वेबसाइट पे, जो सारे रेलिवेंट लिंक्स हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये स्ट्रिंग्स फिर से खरीद सकते हैं। फिनिश की बात करें इस गिटार की तो यहाँ पे करंटली आपको 3 फिनिशेस देखने को मिल जाएंगी ई सीरीज में। एक तो है यहाँ पे मैट ब्लैक विद महोगनी बैक एंड साइड्स, इसके अलावा आपको एक नेचुरल फिनिश देखने को मिल जाएगी टॉप पे, और इसके अलावा आपको एक सनबर्स्ट कलर का टॉप देखने को मिल जाएगा। तीनों वेरिएंट्स में जो है सिर्फ टॉप में ही डिफरेंस है कलर का, जो बैक एंड साइड्स है वो ओपन पोर महोगनी फिनिश की ही रहती है, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है चाहे आप नेचुरल ले, सनबर्स ले या ब्लैक ले। तो स्प्रूस वेरिएंट के अलावा एक और महोगनी वेरिएंट भी आता है ई सीरीज में, जिसमें टॉप भी जो है लैमिनेटेड महोगनी का होता है। तो थोड़ा टोनल डिफरेंस इन दोनों वेरिएंट्स में आपको सुनने को मिलेगा, तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं केप्मा ई सीरीज के स्प्रूस वेरिएंट और महोगनी वेरिएंट को कंपेयर करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या डिफरेंस सुनने को मिलता है इन दोनों वेरिएंट्स। तो नेचुरल और जो सनबर्स्ट है वो तो आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्लैक ऑल दो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में मेरे को, लेकिन ये जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर मांगता है अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी दो फिनिशेस से। तो अगर आप काफ़ी स्वेट करते हैं तो आपको एक कॉटन क्लॉथ ज़रूर रखना पड़ेगा कि हर बार प्रैक्टिस के बाद जो है आप जो है टॉप को एक बार वाइप करें, ताकि जो है इसकी जो फिनिश है वो अच्छे से मेंटेन रहे। चलिए अब इस गिटार का साउंड चेक करते हैं।
ओवरऑल साउंड वाइज मेरे को ये गिटार काफी अच्छा लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको जो है ओवरऑल एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ बेस रिस्पॉन्स, वॉल्यूम और रेजोनेंस सुनने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे विदाउट सेक्रीफाइसिंग द कम्फर्ट आपको जो है काफ़ी अच्छी टोनल क्वालिटीज इस गिटार में सुनने को मिल जाती हैं। तो ये एक काफ़ी वर्सेटाइल शेप हो जाती है और मेरे को ये शेप काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल केपमा ई सीरीज एक बहुत ही अच्छा अकूस्टिक गिटार है। यहाँ पे आपको जो है ओवरऑल अच्छी टोन वुड्स देखने को मिल जाएंगे इस गिटार में। इसके अलावा जो हार्डवेयर है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। तो 10 से 15,000 के बीच में अगर आप कोई अकूस्टिक गिटार लेना चाह रहे हैं, चाहे वो सिंपल अकूस्टिक गिटार हो या इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार हो, आपको ये दोनों वेरिएंट्स केपमा ई सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको केपमा ई सीरीज में एक नहीं बल्कि तीन शेप्स देखने को मिल जाती हैं। एक तो है केपमा ईडीसी जो कि एक ड्रेडनॉट साइज गिटार है, उसके बाद है ईएसी जो कि एक ग्रैंड ऑडिटोरियम साइज है, और इसके अलावा एक तीसरा साइज आता है जो कि एक ट्रैवल फ्रेंडली गिटार है, दैट इज केपमा ES36, जो कि मैं बहुत जल्दी रिव्यू करूंगा। सो आपको कैसा लगा ये गिटार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो वो भी कमेंट करिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय।